हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक बहुत बेहतरीन सवाल को देखेंगे। बच्चों, ये सवाल जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ये सवाल अभी 2022 में पूछा गया था प्रथम पाली, और ऐसा ही मिलता जुलता सवाल, सिर्फ यहाँ पे डेटा जो है आंकड़ा चेंज था। आंकड़ा कुछ भी आ सकता है, 32, 64, 28, 40, 42, कुछ भी, 1000, 2000, 50000, कुछ भी आ सकता है। तो इसमें आपको पूछा जाता है इसे कि घातांक, जो पहले तो अभाज्य गुणनखंड कर निकालना है, उसको दोनों बगल बांस बीच में बत्ती करके खटाखट, उसके बाद जो घात जिसका घातांक पूछे वो बोल दो। करो कुछ नहीं, ऐसा नहीं, ध्यान दो। पहली बात तो 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, निकालिए मेरे साथ 64 का अभाज्य गुणनखंड निकालो। 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 हो गया। तो अब देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 64 बराबर लिखेंगे ऐसे, देखो 2 का पावर 6, 2 का पावर, और किसी भी चीज का तुम यहां ऐसे लिख सकते हो 5 का पावर 0, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 5 है को, तो क्या पूछा है? संजोग से हमें 2 का घातांक ही पूछा है, तो 2 का कितना पावर है? 6। बस 6 आंसर खटाक से बढ़ गया, बन गया सवाल। बस करना क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो सब जो तब नहीं बनेगा, ये अगर आ गया तो इसका कुछ नहीं है, मतलब 2 का घातांक, 2 घातांक क्या है, 6, समझे? अच्छा, संजोग से मान लो अगर आपसे सवाल पूछ देता है यहाँ पर, हालांकि इसका आंसर 6, अब सवाल चेंज हो गया। सवाल मान लीजिए अब यहाँ पर पूछ देता 7 का घातांक क्या है, 7 है, 0। संजोग से यहाँ पूछ देता 5 का घातांक क्या है, 0, 5 नहीं है, तुम कोई भी संख्या 5 के बाद 0 लिख सकते हो, 7 के बाद 0 लिख सकते हो, जो नहीं है 3 के बाद 0 लिख सकते हो। इस सवाल भी पूछता है एग्जाम में, ठीक है? एक सवाल बनाइए, तो आप लोग बनाए दिखाओ, बना दो। 625 में 5 का घातांक निकालो, 625 में 5 घातांक निकालो, 5 घातांक निकालो, 4। सही है, रूपा एकदम फास्ट है, बिल्कुल सही, हमसे भी ज़्यादा फास्ट। तो लिखो, बिल्कुल सही बनाई है। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 4। अच्छा देखो कैसे निकाले, देखो सुनो, रूपा कैसे सोचती पता है? देखो ऐसे 625 होता है ना, किसका स्क्वायर है बताओ, 25 25, अब 25 क्या लिखेंगे, 5 गुना 5, इसको 5 गुना 5 कितना जल्दी निकल गया, 5 का पावर 4 खटाक से। और सीधी सी बात है, 625 जो है 25 गुना 25 है, अब 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, फिर 1 25 5 गुना 5 क्या 5 हुआ, 1 2 3 4, और ऐसे ही निकाल दी। या तुम्हें ऐसे अगर नहीं आता है तो क्या करोगे, ऐसे करेंगे सर, 625 करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, 5 लगाएंगे तो 125 होगा, 5 लगाएंगे तो 25 होगा, फिर 5 लगाएंगे तो 5 5, ऐसे बना लो या ऐसे बना लो, आंसर विल बी क्या, सेम। तो लिखेंगे 5 का घातांक कितना होगा आंसर, 4, तो इसका आंसर होगा 1 हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो, कितना आसान सवाल है, तो इस पर भी आपको 20 सवाल बनाने हैं। कितना क्वेश्चन? 20 क्वेश्चन, जहां से मिले खुद से लो सवाल, खुद से बनाओ, क्या दिक्कत है, बनाइए अगला। अभी एक सवाल बनाओ, और 1000 के आवाज गुणनखंड में 2 का घातांक बताओ। 1000 संख्या है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो, और 2 का घातांक कितना होगा बनाओ। ढंग से सीखो सवालों को, ये नहीं कि एक सवाल सीख गए बस हो गया, ऐसे नहीं चलता है। तीन आया, चलो बिल्कुल सही, देखते हैं कैसे, देखते हैं बच्चों।
क्या लिखेंगे बच्चों बताइए? 1000 है ना जी? तो 1000 है सर, तो आसान ही तो है, क्या दिक्कत है? 1000 हो या 1,00,000 क्या प्रभाव पड़ता है? 2, तो 1000 का धा 500, 500 का धा 250, का धा 5, 25, 5। देखो अभी पूरा कर देते हैं, परीक्षा में तुम पूरा मत करना, परीक्षा में जिसका घातांक पूछा वही पूछना। अगर परीक्षा में रहते, अगर एग्जाम दिए रहते, एग्जाम दे रहे हैं, सवाल बना रहे, कितना ही छोड़ देते हैं, क्योंकि अब जो अब यहाँ से 5 शुरू हो गया, अब 5 का मतलब नहीं है, इसका मतलब है 2 का, बस 2 का घातांक होगा, 2 का घातांक हाँ 3 होगा। That's it. कितना आसान है, 2 घातांक क्या होगा जी? 3। अब 5 घातांक, तो 5 घातांक भी कितना होता? 3 ही होता। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे सवाल तुम खुद से क्रिएट करना, दिमाग लगाना। चलो एक प्रश्न और बनाइए आप लोग। 1331 में के अभाज्य गुणनखंड में 11 का घातांक बताओ। 3। कैसे? 11 का क्यूब होता है 1331। चलो देखो कैसे, जिसको याद है तो बहुत काम की चीज है ये, बहुत काम की। 1331 है ना, गैस लगाएंगे 121, 11, 11, 11, तो 1331 जो है बाबू, 11 का वर्ग कितना? 3। तो घातांक कितना होगा? 11 घातांक 3 होगा। कितना आसान है। आई होप आप लोग क्लियर। एक सवाल और बनाओ। 1728 में 2 घातांक निकालो, निकालो 1728 में कि आवाज में 2 का फैक्टर निकालिए, निकालना ही पड़ेगा इसका। देखो तो लिख लिए, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। क्या करेंगे बच्चों? 1728 है, कितने हैं बोलो? 2 से 2 आर्दुनी 16, 1 6 4 2 4 3 2 2 200 16 2 100 2 54 2 27। देखो ओ माय गॉड कितना अच्छा सवाल बन गया। देखो 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6, बाकी आगे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? क्योंकि हमें 2 का घातांक ही पूछा, आगे करना है तो कर लो, 3 का पावर 3 होगा, तो 2 का घातांक कितना होगा? 6 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए आई होप दोस्तों ये आप आसान है, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना और घातांक आप फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान है। बस थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, अच्छे से कैलकुलेशन नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए आज का लास्ट प्रश्न एक और है, लिखिए दोस्तों। एक नया प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है बहुत ही आसान सवाल है, 1 सेकेंड में आंसर होगा, 1 सेकेंड में लगेगा आंसर, हमको आंसर पता है, हम इसे ढोंग की तरह बता रहे हैं कैसे से होगा, लेकिन आंसर हम सही बोलेंगे 1 सेकंड में आंसर। बस सूत्र का कमाल है, आपने पढ़ा है सूत्र, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ या एचसीएफ गुना एलसीएम, तो बस क्या है? कुछ भी नहीं तो है। देखो यहाँ पर 2 संख्या क्या क्या है बताओ? पी आर क्यू है और यहाँ कह रहे एचसीएफ, अब गुना में क्या है? एलसीएम। क्या होता है दोनों का गुणनफल? फिर समझो, वन सेकेंड टाइम भाई, आपने पढ़ा है ना सूत्र, देखो ये लड़का ध्यान दो, सूत्र क्या था बताओ? सूत्र होता है 2 संख्याओं का, हम इसलिए कहते हैं सूत्र पे ध्यान दो, सूत्र नहीं याद है तो जीवन आपका व्यर्थ है, 2 संख्याओं का गुणनफल
गुणनफल बराबर क्या होगा जी, एचसीएफ गुना क्या होता है बोलो, एलसीएम होता है। अरे इसे ही बोलते हैं महत्तम, ये जो महत्तम है ना। अच्छा क्वेश्चन लिखे ना यहाँ पे ब्रैकेट में, एचसीएफ है अलग, तुम क्या लिखेंगे एलसीएम है ना जी। देखो इसमें गुना दिया हुआ है, एक बगल गुना दे दिया है, ये पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट कह रहा है कि ये वाला पार्ट निकालो। दो संख्या गुणनफल, दो संख्या कौन कौन है बताओ। अरे मतलब समझो, समझिए सवाल को, मतलब बहुत नहीं समझ पा रहे हैं देखो, इसलिए नहीं बन रहा सवाल। देखो अगर मैं अगर ऐसे लिखता हूँ समझो, एच सी एफ है ठीक, और दो आठ, तो एक का मतलब कि वन छ, दो और आठ का एच सी एफ दो होगा, इसका मतलब हुआ, इसका मतलब समझो मैथमेटिक्स में बोलते हैं एच सी एफ और ब्रैकेट में दो संख्या, इसका मतलब है, इसका मतलब हुआ कि दो और आठ का महत्तम जो है ना, महत्तम जो होगा वो कितना होगा, दो, दो ये होगा, दो चौका आठ, दो चौका दो कॉमन है। तो इसका अगर सुनो, अगर ऐसे लिखा हो एलसीएम तीन चार, आ यहाँ पे लिखा है बारह, इसका मतलब हुआ कि तीन और चार दो संख्याएं हैं, तीन हजार क्या है, हाँ उसका लघुत्तम कितना है, हम लघुत्तम नहीं लिख रहे हैं, लघुत्तम मतलब एलसीएम समझ लेना, ये बात यहाँ पे पहले क्लियर कर देते हैं, ये बात कान खोल के सुन लो, महत एचसीएफ है का हिंदी में कहे छे महत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्त्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब महत्तम, महत्तम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम हिंदी नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे एचसीएफ, और हिंदी में एलसीएम का मतलब लघुत्तम समापवर्त्य। अगर ऐसे कोई संख्या लिखा है एचसीएफ, ध्यान दो एचसीएफ एक्स वाई है, इसका मतलब हुआ कि जो सवाल कहने का मतलब हुआ कि एक्स वाई का एचसीएफ ये लिखा है, क्या लिखा है एक्स वाई का एचसीएफ। अगर कहीं पर लिखा है एलसीएम और मान लो आर एस, इसका मतलब हुआ दो गो संख्या आर एस है, दो संख्या है आर एस और उसका क्या दिया है, तो बताओ आप दिमाग में घुसा, ये जो महत्तम ब्रैकेट में लिखा है पी क्यू, इसका मतलब क्या समझे, पी क्यू दो गो संख्या है, इसका महत्तम हाँ, इसका एच सी एफ, और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है पी क्यू, तो इसका लघुत्तम। तो क्या पढ़े फॉर्मूला, देखो यहाँ पर अभी सूत्र बताए हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या सूत्र होता है, एच सी एफ गुना एलसीएम या एलसीएम गुना, तो बताओ दो संख्या कौन कौन है बताओ, इसमें बताओ कौन कौन संख्या है बता लो, कैसे समझना है, यही है क्योंकि लिखा है सर, तो पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू कौन है, पी इंटू क्यू खटाक्षी। बाय एवरीवन।